नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों ही जो गेम हैं वो बंद कर दिए गए हैं इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि पूरे 118 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको पहले मिलते थे वो अब आप नहीं देख पाओगे। हो सकता है बहुत सारे ऐप तो ऐसे हैं जिनको आपको पता भी ना हो, लेकिन पबजी मोबाइल, पबजी लाइट और ब्यूटी प्लस कैमरा ऐसे बहुत सारे हैं। और भी कुछ ऐप्स हैं जैसे यू डिक्शनरी है, तो ऐसे पूरे 118 ऐप हैं जो आप स्क्रीन पर देख पाओगे। सभी ऐप अब इंडिया में नहीं चलेंगे। अच्छा, इनकी वजह क्या है? तो सबसे पहला तो है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि ये जो ऐप हैं वो हमारी किसी न किसी तरह से इंडिविजुअल तरीके से जो जानकारी है वो उसे ठेस पहुंचा रहे हैं या उसे चुरा रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि कोई भी ऐप अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अलाव का ऑप्शन मिलता है, आप उसे अलाव करते हैं। उसके बाद में एक मिलता है माइक्रोफोन, मीडिया, गैलरी, इनको अलाव करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको अलाव करना पड़ता है। और इनके बिना आप किसी भी एप्लीकेशन को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते हो। जो चीजें आपने कभी भी ऐप इंस्टॉल किया होगा तो उससे पहले आपने देखी होंगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट जो भी गेम है इनको बैन करने की जरूरत क्या है? तो इनको जरूरत करने का सबसे बड़ा, अच्छा कुछ चीजें हम आपको डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ी यार परेशानी ये कि ये गेम नहीं है, ठीक है। गेम एक होता है कि हमने एक घंटा खेला, दो घंटा खेला, आपको आप देख रहे हो यूट्यूब पे पबजी मोबाइल की 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम। यानी कि बच्चे जो हैं पबजी गेम ऐसे छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद अपने घर के अंदर देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि भाई मेरे को रिवाइव कर दे, बंदा आ गया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बंदा आ गया, कि बंदा वहाँ है, बंदा कहाँ है, कितने बंदे हैं। यानी कि एक लैंग्वेज जो है ना वो ऐसी चेंज हो गई है। यानी कि अभी है ना एक बच्चे का एक मैसेज, यानी कि एक वो था क्या, एक जोक ही था कि घर पे मामा आ रहे थे और किसी ने फोन किया कि मामा आ रहे हैं और मामा के साथ 3 आदमी हो रहे हैं। तो लड़का अपनी मम्मी को बोल रहा है ना कि मम्मी चाय बना लो, 4 बंदे आ रहे हैं। तो सच में ऐसा हो गया ना, आदमी के दिमाग में इंटेंशन ऐसी हो गई है कि बंदे आ रहे हैं और ये, यानी कि पूरा वो पबजी के अंदर ऐसा चला गया जैसे कोई रियल चीज है। तो उसकी उन्हें लत सी लग चुकी है, अगर वो पबजी नहीं खेलेंगे तो उनकी जैसे खाना ही नहीं पचेगा। खाना मत दो, लेकिन पबजी उन्हें बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बीमारी भी जैसे ही है, एक बार आपको पता हो तो मोदी जी से लाइव सेशन में एक महिला ने पूछा कि मेरा बच्चा गेम बहुत ज्यादा खेलता है, उसकी क्या परेशानी है? तो मोदी जी ने खुद ही ये कहा कि आपका बच्चा पबजी खेलता है। तो गवर्नमेंट को सब पता है कि क्या माहौल जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो पबजी बैन हुआ, अब सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि हमारे जो लोग हैं उसे गेम की तरह नहीं खेल रहा है। अच्छा, दूसरी परेशानी क्या कि पबजी ने पिछले 6 महीने में 9,700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर ये पैसा हमारे देश के अंदर कहीं जाता, देश के अंदर लगता। अच्छा यार एक बात बता, पबजी के अंदर क्या होता है ना कि रॉयल पास मिलते हैं, लाइट में विनर पास मिलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, कुछ नहीं है। आपके पास एक कार है तो उसकी स्किन बदल जाएगी, एक गन है तो उसकी स्किन बदल जाएगी, गोली वगैरह वैसे ही चलनी है। तो इसके लिए लोग पैसे देते हैं, बिटकॉइन यानी कि बैटल कॉइन कुछ ऐसे BC होता है तो वो देते हैं, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा कहाँ जाता है? पैसा पबजी वाले के पास जाता है, वो आपको एक स्किन दे देते हैं, ठीक है, सॉरी, तो वो आपको एक स्किन दे देते हैं कि काल पीली हो जाएगी और स्टाइलिश हो जाएगी, यानी कि बस आपके कपड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, इन चीज़ों के वो पैसे लेते हैं। तो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यार एक बात बताओ, जब भी ऐसी कोई मुहिम आई है कि किसी शहीद महिला के या किसी शहीद परिवार को कि पैसे देने, तो आप कितने पैसे देते? 10 रुपये पेटीएम, 15 रुपये पेटीएम, 20-25 सौ, लेकिन आप 400 रुपये का विनर पास खरीदोगे केवल एक वो डांस मिलता है ना उसके लिए। यानी कि हो क्या रहा है हमारे देश में? तो पबजी मोबाइल बैन करने का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि भाई एक चाइनीज गेम है तो इसे बंद कर दो, कि जो देश की स्थिति है, जो पैसा है वो बाहर जा रहा है तो वो अंदर ही रहे। अच्छा, सबसे वाली बात, तो हम सभी इसके सपोर्ट में और आपको भी इसके सपोर्ट में होना चाहिए, चाहे आप कॉन्करर पे हों, चाहे आप एस पोजिशन पे हों, कहीं पे भी हों। क्यों यार एक बात बताओ, देश पहले है या फिर गेम पहले है? तो सभी मुझे पता है यही कहेंगे कि देश पहले है, तो पहले हमें अपनी कंट्री बचानी है। क्योंकि गेम वेम तो ऐसा है कि बहुत सारे गेम है वो खेल लो अगर आपको कोई परेशानी है तो, और गेम खेलना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के भी बहुत सारी चीज़ें वो कर लो, लेकिन पबजी जो है वो हमारे देश को किसी न किसी इंडिविजुअल तरीके से परेशानी हानि पहुँचा रहा है। तो अच्छा है वो बंद हो गया, अभी चल रहा है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, सर्वर्स हैं, नेटवर्किंग जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अभी कि भैया मैं अभी खेल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, चलो ठीक है कर लो, पबजी बंद हो गया। पहले टिकटॉक बंद हुआ था, टिकटॉक क्यों? टिकटॉक भी एक बीमारी के जैसे हो गया था, चाइनीज ऐप तो था ही लेकिन एक बीमारी के जैसे हो गया था। लोग टिकटॉक को कोई एंटरटेनमेंट तो ठीक था, लेकिन एंटरटेनमेंट ऐसा होता है कि एक सीमेंट का कट्टा पहन लो, मुँह पे कालिक पोत लो, भाई ये कैसा एंटरटेनमेंट है? कुछ पैसे के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए आप करके आ रहे हो? यानी कि अच्छा हाँ, किसी भी चीज़ पे अगर एजुकेशन बढ़ती है तो आप एजुकेशन बढ़ाओ, ठीक है। टिकटॉक पे एजुकेशन वीडियो आपको कितने दिखते हैं?
हाँ कुछ मोटिवेशनल वीडियो आपको देखते, लेकिन एजुकेशनल वीडियो कितने देखते? बहुत कम। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप एजुकेशन बढ़ाते हो तो उससे हमारा देश तरक्की करता है। तो ऐसी चीज़ें बढ़नी चाहिए, और जो चीज़ें हमारे देश को एक संक्रमण है तो वो चीज़ें कम होनी चाहिए। तो पबजी जो है वो एक बीमारी की तरह था, तो उसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हाँ कुछ लोग हैं जो जुगाड़ करके इसे चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ना चले, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट हैं, वो भी पबजी खेलने लग गया है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में क्या करें, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पबजी खेल रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये है तो बुरी खबर, लेकिन किसी न किसी तरह से उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो अपने जो पढ़ाई का जो उनका मेन उद्देश्य है उस पर वापस आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस हर बच्चे तक पहुँचाओ जो पबजी खेलता है, और उन्हें बोलो कि मेरे भाई आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने फ़ायदे की बात है, अपने देश के हित की बात है, और अपने देश का जो हित है वो इसी में है कि उनकी जो साइबर सिक्योरिटी है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, किसी ऐसी कंट्री के पास ना पहुँचे जिससे हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, चाहे वो चाइना हो या और कोई अदर कंट्री हो। तो मेरे भाइयों, आज से गेम खेलना बंद कर दो। पढ़ाई का यानी एजुकेशन इंडस्ट्री अगर आप बढ़ाओ हमारे देश की, तो उससे हमारे देश का विकास होगा, युवा सुधरेगा, सारे बच्चे सुधरेंगे, और ऐसी जो चीज़ हैं, ऐसी जो गलत प्रवृत्ति है, उनमें जाने से बचें। बस मैं आपके लिए यही कामना करूँगा। जय हिंद, जय भारत।